स्टोनेज के जमाने से हमें ना 100 साल पुरानी यही लड़कियां नजर आ रही हैं परफॉर्म करती, और इनसे कुछ भी नहीं हो रहा। कैडबरी डेयरी मिल्क के लोग स्पॉन्सर यहाँ पे लगवाए हुए हैं। नोनी शोनी बच्चियां बन के जाती हैं, डेयरी मिल्क खाती हैं, परफॉर्म करती नहीं, बल्ला लग जाए तो रोती हैं, आई अल्लाह बल्ला लग गया। ये इनसे क्या परफॉर्मेंस होनी है? इससे अच्छा ना यकीन ना माने हिजड़ों की पाकिस्तान की टीम बना दें, वो वुमेन से अच्छी खेले। एशिया कप में टीम इंडिया का जीत से आगाज, टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा। मैच में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। मुकाबले में भारत को जीत के लिए 109 रनों का टारगेट मिला था। 14.1 ओवर में ही भारत ने हासिल किया लक्ष्य। नजर आ रहे कि हम इंडिया को हरा पाएंगे, हमसे इंडिया की वुमेन टीम नहीं हराई जा रही, तो हम सीनियर क्या हराएंगे? लेजेंड से हमें उम्मीदें थी कुछ, वो इतना अच्छा थ्रू आउट द टूर्नामेंट खेलते आ रहे थे, टॉप करते आ रहे थे, लेकिन आगे जाके वो भी फाइनल में चौक कर गए। इंडिया के आगे हार गए, इंडिया के आगे जाके पता नहीं क्या हो जाता है, प्रेशर बहुत ज्यादा ले जाते हैं। नारी शक्ति सब पे भारी ये सुना करते थे और बहुत दफा देखा भी है, लेकिन जिस तरह से आज एशिया कप के अंदर भारतीय विमेन की जो परफॉर्मेंस रही है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, एज अ विमेन क्या फीलिंग है कि हम तो हर तरफ से शिकस्त का सामना करना पड़ा। धनिया पुदीना पकड़े हैं ये लोग डिजर्व करते हैं किचन में जाना, ना ही के पिचों पे जाना। यार गलत है ये तो, ना इंसाफी कर रहे हैं आप, खवातीन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप। खवातीन को मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कह रहा, खाली ये 11 औरतों को अंडर एस्टिमेट। लड़कियां क्या, बड़े क्या, बूढ़े क्या, बच्चे क्या, मतलब ये सिर्फ लड़कियां रह गई थी, वो भी हार गई। पिछले 40 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर, जब से मैंने दिया, मैंने नहीं देखा कभी वुमेन की टीम मैच जीती हो। अभी रिसेंटली इंग्लैंड के साथ सीरीज हुई है, पहले वो हमारे होम ग्राउंड में आके हमें वाइट वॉश करके गए, क्लीन स्वीप करके गए हैं, फिर हम इंग्लैंड गए हैं, फिर वहाँ से क्लीन स्वीप होके आए हैं। तो अभी जाके देखे भी आज की तैयारी, एशिया कप की इवेंट की तैयारी नहीं करके गए, इवेंट को सीरियस ले ही नहीं रहे। आज इतने आउट हो रहे थे, निदा डार हमारी जो कैप्टन थी वो बहुत ईजी होके बैठी हुई थी, उनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एशिया कप के अंदर जो वुमेन मैच चल रहा था उसमें पाकिस्तान को हमारी वुमेन इंडिया की जो टीम है उसने इस तरीके से धोया कि पूरे पाकिस्तान में मातम है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 40 दिनों से लगातार शिकस्त का सामना, यानी कि शिकस्त मतलब हार का सामना कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा मातम है कि वो अपनी प्लेयर को, अपनी टीम को, चाहे उसमें गर्ल्स हो या फिर कोई बॉयज़ हो, किसी भी टीम को वो मतलब इतनी गालियाँ दे रहा है। वो कह रहे हैं इससे अच्छा तो एक हिजड़ों की टीम बना दी जाए, वो इनसे अच्छा खेल लेंगे। हम लोग कहने कि पाकिस्तान वाले लोग इनके ऊपर इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और ये क्या वापसी में क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो कुछ इस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम कर रही है। अब पाकिस्तानी आवाम भारत के लिए क्या सोच रखती है, भारत के लिए वो क्या कमेंट जो है कर रही है, वो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया की नारी शक्ति एक बार फिर से पाकिस्तान पर भारी। इंडिया की नारी शक्ति ने जिस तरह से चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल बनाने में अपने झंडे गाड़े थे, उसी तरह आज एशिया कप 2024 के पहले मैच में इंडिया की नारी शक्ति ने पूरी दुनिया को बता दिया कि नारियां जो है मर्दों से कम नहीं है, ना ही टेक्नोलॉजी में और ना ही सपोर्ट में। दोस्तों अगर हम बात करें आज के मैच की, प्लेयर ऑफ द मैच की, दीप्ति शर्मा की बात करें, तो शर्मा वैसे भी जो है इंडिया में छाए हुए हैं। 1 ओवर के अंदर 3 विकेट्स लेने वाली दीप्ति ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। दूसरी जानब अगर हम मंदाना की बात करें, सुमृति मंदाना ने 1 ओवर में 5 चौके लगाए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। और इंडिया की नारियों की फिटनेस की बात कर ले, उनके परफॉर्मेंस की बात करें, अनबिलीवेबल। और इंडिया की नारी शक्ति और क्रिकेट के बारे में आज हम पाकिस्तानी मर्दों से उनकी राय जानेंगे कि क्या वजह है कि ना नारियां जीत पा रही हैं पाकिस्तान की, ना मैन जीत पा रहे हैं इंडिया से। तो आवाम की तरफ बढ़ते और जानते उनकी राय और जबरदस्त रिएक्शन आपके साथ शेयर करते हैं। 1 महीने में इंडिया ने हमें 3 दफा हरा दिया। बस ना वो पाकिस्तान की लड़कियाँ वो अच्छा क्रिकेट खेल सकती हैं, और ना लड़के और ना बूढ़े वगैरह खेल सकते हैं, ठीक है। और हमें क्रिकेट के मैच में शामिल करें और उनसे अच्छा ना हम खेल के दिखाएं ना, तो फिर हमें बताना, बस और कुछ नहीं। मतलब हमें शीमेल की क्रिकेट टीम बना दे। हाँ वो बना देंगे इंशाल्लाह, हम ना दे तो बहुत ज्यादा सिखा के देंगे, ठीक है। मतलब शीमेल जीत जाएगी इंडिया से। हाँ जीत जाएंगी। तो ये बेइज्जती नहीं है, पाकिस्तानी मर्द क्या सोचेंगे? बस यही तो एहसास दिलाना चाहते ना, आसान एहसास आन के तो कुछ छक्का जोर दिला के आएंगे ना, ये मसला है। किसी में दम नहीं है। नहीं दम शीमेल आगे आएंगी, शीमेल आगे आएंगे, फिर भी क्रिकेट मुकम्मल पाकिस्तान का होना है, नहीं तो पाकिस्तान पैसा ही हराएगा बस। इंडिया से नहीं जीतेगा, इंडिया से नहीं जीतेगा बस।
वाह जी वाह, आपसे ट्रेनिंग करवा दे बाबर आजम को। क्यों नहीं, मैं ताबेदार, ट्रेनिंग जब मर्जी आए मैं ताबेदार सिखाऊंगी ना। चलो जो देख रहे हो ने क्या पैगाम दोगी? अच्छा क्रिकेट खेला करो, क्योंकि साड़ी नौबत नहीं आया थोड़े तक, बस यही कहना चाहूंगी और कुछ भी नहीं। देखें सबसे पहले तो हमें इसकी ना अपनी जो कंट्री है इसकी साइकिल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हाँ। अभी रिसेंटली हमारा जब वर्ल्ड T20 कप चल रहा था तो हमारा जो सिंध का CM है उसने ये बयान दिया था कि जी हमें IMF का प्रेशर है कि आप USA से मैच हार जाएं, या उसकी कंडीशन रखी थी IMF ने। हाँ। तो सबसे मेजर चीज़ ये है कि हम इंडिपेंडेंट क्रिकेट बोर्ड दे ही नहीं रहे। अच्छा ठीक है, हमारे अगर इंडिपेंडेंट क्रिकेट बोर्ड देंगे जिसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी, हमारे बड़ों की इंटरफेरेंस ना हो, तो तब हम एक अच्छे जो हमारे स्किलफुल पर्सन जो है ना उनको हम जनरेट कर सकते हैं, उनको आगे भेज सकते हैं। बाकी आपने बिल्कुल सही कहा, लेजेंड्स की बात कर लें, बाकी जितने भी अभी वुमेन जो हैं उनकी बात कर लें, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारी मैनेजमेंट और हमारा जो अपर मैनेजमेंट है या जो कंट्री को डील करते हैं वो हमें इंडिपेंडेंट कंट्री या इंडिपेंडेंट जो है वो काम नहीं करने देंगे। जब तक वो चीज़ नहीं होगी हम कभी भी किसी भी स्पोर्ट्स में किसी भी चीज़ में आगे नहीं जा सकते। किसी अब हॉकी की बात करें, हॉकी में देख लें हमारे पास हमारा कंट्री का सबसे टॉप क्लास हमारा हॉकी का रिजल्ट था, अब कहाँ पे हैं? खत्म हो गए सर, ये बच्चे भी कुछ खड़े हैं, मुस्तफ़ा भी मैच देखते हैं। मुस्तफ़ा क्या कहोगे कि ना हम मेन से जीते हैं ना हम विमेन से जीते हैं और बार बार जो है इंडिया ठोक के जा रहा है? इंडिया की वो लेजेंड्स भी, वुमेन्स भी, और उनकी वो जो टीम वो भी खेलती है यार, सारी ऐसे खेलते हैं, हम अभी तक कोई मैच नहीं जीते। इंडिया इतनी अच्छी, उनकी लेडीज भी परफॉर्मेंस कर रही है, उन्होंने कहा है कि वो अगर लड़के परफॉर्मेंस कर सकते हैं तो हम भी करेंगे। नारियां सबसे आगे हैं। हाँ जी, उन्होंने बता दिया कि कैसे परफॉर्मेंस करते हैं। चलो हमजा, अगर हम बात करें, अगर हम इंडियन विमेन को लें और पाकिस्तान की जो ए क्लास टीम है जिसमें बाबर खेलते हैं, शाहीन अफरीदी खेलते हैं, तो आपका क्या तुक्का लग रहा है हमारे मैन उनकी विमेन से जीत पाएंगी? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि ये अच्छा खेल ही नहीं रहे, इतनी ये मेहनत ही नहीं अभी कर ले, इनको चाहिए कि मेहनत करें और अपनी डाइट पे ख्याल रखें। और डाइट पे ख्याल रखें, अपने बारे में क्या ख्याल है? वो मैं क्रिकेट थोड़ी खेलता हूँ, इंटरनेशनल हूँ, मैं लोगों के लिए खेल रहा हूँ। मुझे लोगों से वो जो ग्राउंड में बैठे मैच देख रहे हैं उनके पैसों से पैसे मिले हैं तो मैं फिर करूंगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात। मैं फिटनेस की बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे आजम खान को सिलेक्ट किया गया था, आप देखें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमारे अक्सर हमें देखने में पता चल रहा है कि शायद ये स्पॉन्सरशिप प्लेयर आ रहे हैं कि उनकी ना कोई परफॉर्मेंस है ना कोई उनकी फिटनेस है, किसी भी चीज़ में हम ले के देख लें हमारे पास बहुत अच्छे ऐसे डोमेस्टिक में खेल रहे हैं प्लेयर्स, कभी भी किसी भी जगह पे वर्किंग ही नहीं हो रही, यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं जा रहे, डोमेस्टिक में जाएं आप, अपना PSL स्टार्ट किया है उसमें न्यू प्लेयर्स को। PSL भी डेड हो गया, हम सोचे थे IPL का मुकाबला करेंगे, सर आप आगे आ जाए। अगर विमेन फिटनेस आप बात करेंगे? नहीं नहीं, अच्छा आप बात नहीं करेंगे। हम बात करें कि इंडिया से 3 दफ़ा हार चुके, अगर हमारी विमेन की फिटनेस और उनकी विमेन की फिटनेस अगर कंपेयर की जाए तो वो तो हमसे, हमारी विमेन से ज़्यादा फिट नज़र आई हैं आज। वो मुझे ये वो फिट नज़र आई हैं, और लेकिन इंडिया की पता नहीं क्या टीम है, हम उनकी हर एक टीम से हार जाते हैं, और वो इतनी मेहनत करते हैं कि नज़र आता है कि उन्होंने मेहनत की है। हाँ। और मेहनत का सिला मिलता है, इसलिए मेहनत का सिला मिलता है। और पाकिस्तानी टीम मेहनत भी नहीं कर रही, मेहनत नहीं करी, नॉट गिनी जा रही। नो डाउट, जैसे आपने कहा कि यहाँ वुमेन की बात कर लें यहाँ मैन की बात कर लें, ये जोरदार तमाचे हमारे मुकद्दर में लिखे जा चुके हैं और ये मुकद्दर में तब तक लिखे जाते रहेंगे जब तक हम परफॉर्म नहीं करेंगे या बेहतर परफॉर्मेंस के साथ मैदान में नहीं उतरेंगे। अच्छा, कभी हाँ। हमें मेंस की तरफ से यही चपेटे खानी पड़ती हैं, आप देखें पिछले 2 माह में 3 कंसेक्यूटिवली आप देख लें कि थप्पड़ पड़े हैं और ऐसे गहरे थप्पड़ पड़े हैं कि हम मुसलसल इंडिया से हार रहे हैं, 3 दफा हार चुके हैं मुसलसल। मैं भी वही बात कर रहा हूं, देखें अब हम करें क्या करें, कभी हमारे लेजेंड हार जाते हैं, कभी हमारे सीनियर हार जाते हैं, और कभी जनाब हमारी वुमेन हार जाती हैं, समझ से बाहर हैं कि कभी अगर हम मर्दों की बात करें तो जनाब उन्हें क्या हम चूड़ियां पहना दें, तो अब औरतों को क्या करें, उनको क्या ऐसा खेल दें कि जनाब उनके बस की बात नहीं है। फिटनेस की बात कह रहे हैं कि क्रिकेट खेलनी है तो दुपट्टों में खेलो, तो मैं तो मेरी समझ से बाहर है कि ये हो क्या रहा है यार, दुपट्टों में इनसे क्या खेला जाएगा? कल को ये कहेंगे जी वो दुपट्टा हट गया था इसकी वजह से, बोल जो है वो पुरखों में खेलो अब। यार अजीब सी इनकी लॉजिक है, समझ से ये बाहर है, परफॉर्मेंस इनकी जीरो है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं
और माइंड लेवल इनका डेड है। और मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि ये बातों के पुजारी हैं। नहीं, अगर फिटनेस की बात करूँ ना, आपको आज का मैच देख के क्या लगा? इंडियन वीमेन की फिटनेस पे बात करूँ, अगर पाकिस्तानी वीमेन की फिटनेस पे बात करें, मुझे बहुत ज्यादा मतलब ये बात कहते हुए अपना बड़ा छोटा लग रहा है कि इनकी फिटनेस का कंपैरिजन हो।